आपकी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं उनका मूल कारण क्या है? आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का मूल कारण आपका मन है, आपकी सोच है। मन ही तरह तरह के उपद्रव पैदा करता है और वही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। अगर मन दुखों का कारण नहीं होता तो जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने में कमाता है वो भी दुखी है, जो व्यक्ति 15,000 रुपये महीने कमाता है वो भी दुखी है, जो व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमाता है वो भी दुखी है। ये तो हो गई बात छोटे छोटे लोगों की, जो 15,000 रुपये कमाते हैं वो भी दुखी हैं, जो 50,000 रुपये महीने कमाते हैं वो भी दुखी हैं, जो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं वो भी दुखी हैं। इनकी तो बात ही छोड़ो, जो 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं वह भी दुखी हैं, जो 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं वह भी दुखी हैं, जो 5 करोड़ रुपया हर महीने कमाते हैं वो भी दुखी हैं, जो 50 करोड़ रुपये हर महीने कमाते हैं वह भी दुखी हैं, जो 100 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं वह भी दुखी हैं। और आप हैरान होंगे ये जानकर, हर तरह के लोग मुझसे मिलते हैं, 100 करोड़ महीने और 1,000 करोड़ महीना कमाने वाले भी मुझसे मिलते हैं। मैं उनसे मिलने के फलस्वरूप प्राप्त करने वाले अनुभव का सार तुमसे कहना चाहता हूँ कि वे सारे लोग तुमसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके दुख तुमसे कई गुना बड़े हैं, वो अपने दुखों से इतना ज़्यादा दबे हुए हैं जितना तुम, उनकी तुलना में तुम बहुत कम दुखी दिखाई देते हो, हमें उन पर बहुत तरस आता है। आखिर ये सारे लोग दुखी हैं, इसका मतलब दुख का कारण धन नहीं है, इसका मतलब दुख का कारण क्या है? मन। वो मन जो कि तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है, वो मन जो कि समझाता है कि तुम भले ही 5 करोड़ महीने कमा रहे हो लेकिन जब तक 500 करोड़ वाला फार्म हाउस महरौली वाला नहीं मिल गया 10 एकड़ का, तब तक चैन से सोना नहीं है। ये मन के जाल हैं, ये मनोविकार हैं। और तुम हैरान होगी ये जानकर कि इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने एक अद्भुत सत्य कहा, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर सब ने एक बात कही कि हर व्यक्ति मन की बीमारियों का पुलिंदा है। इसीलिए हमने मन से ही जीवन को जोड़ा, मनुष्य का अर्थ ही है जो मन से बना हुआ हो। और मन का स्वभाव कैसा है ये कभी भरता नहीं। कहते हैं एक दिन एक फकीर एक चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में गया और चक्रवर्ती सम्राट से उसका सीधा मिलना संभव हो गया। सम्राट ने उस फकीर को देखा और कहा, आज के दिन तुम पहले आदमी हो जो मुझसे मिले हो, जो चाहो वो मांग लो। उस फकीर ने कहा, मैं आपसे मांग तो सकता हूँ लेकिन एक शर्त आपको मंजूर करनी होगी। उन्होंने कहा, कौन सी शर्त? उन्होंने कहा, ये जो छोटा सा भिक्षा पात्र है मेरे सामने, आप वचन दें कि आप इस भिक्षा पात्र को पूरा पूरा भर देंगे तभी मैं आपसे भिक्षा लेना स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा नहीं। सम्राट ने कहा, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा भिक्षा पात्र भर दूंगा, और ये कौन सी बड़ी भारी शर्त तुमने लगा दी? इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, तेरा भिक्षा पात्र छोटा सा है, इसको भरने में कितना समय लगेगा? और उसने तुरंत आदेश दिया अपने वजीरों को कि खजाने से सोने की असरफियाँ और हीरे जवाहरात मंगाकर फकीर का भिक्षा पात्र भर दिया जाए। कहते हैं उनके भिक्षा पात्र में हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफियाँ डालने लगे राजदरबार के लोग, लेकिन जितना ही डालते जा रहे हैं सब उसमें समाता चला जा रहा है और वो भिक्षा पात्र है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। और प्रातःकाल उसका भरना शुरू किया गया और लगातार घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीतते जा रहे हैं, सारा खजाना खाली हुआ जा रहा है और वो भिक्षा पात्र भरने को नहीं आ रहा है। और जब देखा कि राजकोष ही खाली होता जा रहा है, राजकोष खाली हो जाने को है, तब सम्राट कहता है, रुको, इस पहेली का राज बताओ, रहस्य क्या है?
ये तुम्हारा भिक्षा पात्र असाधारण भिक्षा पात्र कैसे हो गया है, इसमें सब कुछ भरता जा रहा है और ये खाली का खाली पड़ा है, ये कैसा भिक्षा पात्र है, क्या है इसका राज? उस फकीर ने कहा, मैं आपको राज बताए देता हूँ। राज सिर्फ इतना है कि मेरा भिक्षा पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना है, और मनुष्य की खोपड़ी है ऐसी कि इसको कुछ भी मिल जाए ये भरती नहीं है, ये तृप्त नहीं होती है। चाहे राज्य मिल जाए तो तृप्त नहीं होगा, साम्राज्य मिल जाए तो तृप्त नहीं होगा, फिर सारी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए ऐसी आकांक्षा पैदा हो जाती है, और सारी दुनिया भी जीत ले तो फिर ये आकांक्षा हो जाएगी कि जितने मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, जितने और ग्रह उपग्रह हैं ब्रह्मांड में, उन सब को जीत लिया जाए तब शांति मिलेगी। सारांश ये है कि मनुष्य के समस्त बीमारियों का, समस्त समस्याओं का एक ही कारण है, मन। और मन के जालों से मुक्त हो जाने की कला अगर आपको आ जाए तो जिंदगी की तमाम सारी की सारी समस्याओं से तुम मुक्त हो सकते हो।